टेडी टेडी स्टार्ट। कहने को तो धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, किंतु दोनों एक दूसरे से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें एक दूसरे का पूरक कहना कतई अतिशयोक्ति न होगी। राजनीति जन सामान्य में अपनी वैधता एवं विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए धर्म एवं परंपराओं का आश्रय लेती हैं, तो दूसरी तरफ धर्म सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए राजनीति को संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि धर्म और राजनीति के बीच चोली दामन का साथ है। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पर राजनीतिक अराजकता बढ़ती है, तब तब किसी महापुरुष ने प्रजा एवं राजा को धर्म का मार्ग दिखाया है। अत्याचार के बढ़ने पर महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध द्वारा शांति एवं अहिंसा का संदेश देना धर्म और राजनीति के अनूठे संगम का उदाहरण है। यही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को राजनीतिक शक्ति भी धर्म से ही मिल रही थी। उनके ऊपर धार्मिक प्रभावों का ही परिणाम था कि वे राजनीति में शांति एवं अहिंसा का प्रयोग कर न सिर्फ भारत को आज़ाद करवाने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को राजनीति में धर्म के सकारात्मक प्रभाव की सीख दी। उन्होंने कहा कि राजनीति यदि शरीर है तो धर्म आत्मा, दोनों को एक दूसरे से अलग करना ठीक नहीं। किसी भी देश की राजनीति का स्वरूप उसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। भारतीय राजनीति पर भी इन परिस्थितियों का प्रभाव देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही भारत में धर्म और राजनीति का अभिन्न संबंध रहा है। राजनीति को धर्म से अलग करके सोचा भी नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि जब युद्ध होते थे तो उन्हें भी धर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती थी। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा देना इसका एक अच्छा उदाहरण है, किंतु धर्म का राजनीति पर जो नकारात्मक प्रभाव वर्तमान में देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। सबसे पहले अंग्रेजों ने ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच दरार पैदा की। भारत की आज़ादी के बाद इसके विभाजन का मूल आधार भी धर्म ही था। विभाजन के बाद भारत में धार्मिक कट्टरता में कमी आनी चाहिए थी, किंतु स्वार्थी नेताओं ने वोट की राजनीति के तहत इस कट्टरता को और हवा दी, जिसके फलस्वरूप धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का उदय भारतीय राजनीति में हुआ। लोगों की धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाने के लिए छद्म सर्वधर्म सद्भाव के रूप में
सांप्रदायिकता देश के लिए अधिक खतरनाक है। इसके लोगों में धार्मिक वैमनस्यता पैदा होती है। प्रभु।